जब से मुख्यमंत्री बना है प्रत्येक साल कहता है ये नियुक्ति वर्ष हमारी रहेगी। 2020 पार हो गया, 2021 पार हो गया, 2022 पार हो गया, नियुक्ति वर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है। अब 2023 भी समाप्त हो रहा है, नियुक्ति तो हो नहीं रही है, नियुक्ति हो भी नहीं रहा है। आप जरा बताइए भाई ये कब नियुक्ति करेंगे? चूंकि इनको नियुक्ति करने की मानसा ही नहीं है, खाली गड़बड़ करते हैं, लोगों को ठगते हैं। हमने तो कहा है कि जिस दिन झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी 6 महीना के अंदर में आप देखेंगे स्कूल में मास्टर भी होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर भी होंगे, ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। इसलिए भाई और बहनों मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज इस प्रदेश की क्या हालत है कानून व्यवस्था की? रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आखिर ये क्यों हो रहा है? जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी, रघुवर दास की सरकार रहे, अर्जुन मुंडा की सरकार रहे, तो यही पुलिस थी। अपराधी कांपता था डर से, भागता था झारखंड छोड़ करके, लेकिन हेमंत सोरेन के आते ही अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर आज डरे हुए हैं तो झारखंड के लोग डरे हुए, आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? हमने पता किया, अरे कारण क्या? लोगों ने बताया कि भाई अब पुलिस क्या काम है, पुलिस का काम होता है चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज पुलिस को किस काम में हेमंत सोरेन जी ने लगा दिया? सड़क के किनारे में खड़े रहते हैं कि अगर आप बालू लेकर के भी आते हैं घर बनाने के लिए तो आपके ट्रैक्टर को पकड़ लेंगे। बात सही है कि नहीं बताइए? अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोल देना कि सर आप गलत बोल रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं पकड़ते हैं, और थाना में ले जाते हैं, या तो फिर आप उनको हरा हरा नोट दीजिए छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर आपको कोर्ट से जमानत करना पड़ेगा। यही हालत है कि बात नहीं सही भाई? अगर पुलिस वसूली में रहेगी तो फिर अपराधी तो बेखौफ होकर के अपराध करेगा ही। और 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा अखबार में छापा था, उसमें क्या छापा कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायियों की हत्या हुई। हत्या तो बहुत हुई है लेकिन 23 लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया, और 23 में से 9 लोगों ने पुलिस को सूचना ही दी थी कि हमारे ऊपर जान की खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी रक्षा की जाए। अगर पुलिस ने, शासन प्रशासन ने, सरकार ने उनकी रक्षा की होती, उनको सुरक्षा दी होती तो शायद उन 9 लोगों की जानें बच जाती, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि भाई अब ऐसे मामलों को आप जांच कराइए सीबीआई से, या तो फिर एसआईटी गठित करके जांच कराइए। जिस भी पुलिस के अफसरों ने लापरवाही की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने जांच नहीं कराई तो जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हम लोग इस मामले को जांच करा देंगे, और जो भी पुलिस अफसर, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईजी हो या डीजी हो, जिसके स्तर पर ये लापरवाही बरती गई हो उनको सजा दी जाएगी। आखिर अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? जिम्मेवारी लोगों का फिक्स होगा कि नहीं होगा? तो आज ये राज्य में ये हो रहा है, ये स्थिति है। अभी राशन की बात होते होते हमें याद आया कि आज ही मैंने अखबार में देखा गढ़वा में एक मुसर दलित व्यक्ति अन्न के अभाव में मर गए। एक नहीं 2 घटनाएं हुई है आजकल 1-2 दिन में। आप जरा सोचिए, और लोग इधर से उधर फेंकते, मैंने तो कहा है कि भाई उसके लिए एमओ वीडियो इन लोगों को जिम्मेवार बनाइए। अगर एक भी व्यक्ति कोई अन्न के बिना भूखे मरता है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन अफसरों ने पैसे लेकर के अयोग्य व्यक्तियों को राशन के कार्ड बना देते हैं और गरीबों का नाम पैसे के कारण वो छोड़ देते हैं और उसको नहीं उपलब्ध कराते हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे? और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए, आज इस राज्य की ये हालत है। भ्रष्टाचार तो आज सब जगह है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा काम हो पैसे देना पड़ता है। आखिर ये कब तक रुकेगी?
राशन कार्ड में भी अगर एक नाम कहीं आपको जोड़ना हो तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। बात सच है कि नहीं है बताइए। बिना पैसा से कुछ काम नहीं होता है। हमने लोगों से पूछा कि अफसरों से थोड़ा पता करो कि यार क्यों करता है ऐसा।